अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं जो है वो रोल और समोसे बनाने वाली हूँ। बहुत ही आसान सी रेसिपी है। आज की जो रेसिपी है वो जो है वो बच्चों के लिए है जिन्होंने सीखने हैं कि उन्होंने रोल कैसे बनाने हैं। तो जिन बच्चों को या बच्चियों को रोल सीखना है बनाने कैसे हैं सिंपल तरीके से, तो ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं, थोड़े थोड़े से, तो वो मैं आपको जो है वो सिखाती हूँ आज। तो बहुत ही आसान सी रेसिपी है। हम रेसिपी को जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है वो मैंने आलू ले लिए हैं, उनको मैंने अच्छी तरह से मैशर से मैश कर लिया है। ठीक है, ये देखें, अब इसके अंदर हम सारे मसालेदार डाल देंगे। मसाले में हमारे पास होता है जी लाल मिर्चे, अपने टेस्ट के हिसाब से डाल दें आप। ठीक है, ये देखें, इस तरीके से आप अपने टेस्ट के हिसाब से लाल मिर्चे डाल दें। उसके बाद जो है वो हमने इसके अंदर नमक ऐड करना है। नमक भी आप जो है वो अपने टेस्ट के हिसाब से ही डालें, जितना आपको पसंद हो आप उतना जो है वो इसके अंदर नमक ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल आसान सी आपकी रेसिपी है। तो यहाँ पे जो है वो मैंने यहाँ पे सूखा धनिया ले लिया है, इसको हम थोड़ा सा इस तरह से हाथ के साथ मसल के तो हमने फिर इसके अंदर डालना है इसको। यहाँ पे हमारे पास ज़ीरा है, ठीक है, तो ये हमने डाल देना है। तो यहाँ पे जो है हमारे पास गरम मसाला है। ठीक है, तो आज की रेसिपी जो है वो बहुत ही आसान सी छोटी सी रेसिपी है। 5 मिनट में जो है वो आप रोल बना सकते हैं आज की रेसिपी को देख के। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, जिनको नहीं बनाने आते हैं वो भी बनाना सीख लें। तो ज़्यादा प्रोफेशनल तरीके से मैं आपको नहीं सिखाऊँगी, क्योंकि जो बिगनर्स होते हैं उनको ज़रा कम ही थोड़ा थोड़ा करके सिखाते हैं। तो उनके लिए मैंने जो है वो आज की रेसिपी लेके आई हूँ ये वाली। अब जो है वो हमने इसको अच्छी तरह से हाथ के साथ ही मैश करना है, चम्मच के साथ हमें इसको मैश नहीं करना, हाथ के साथ हमें इसको मैश करना है। क्योंकि हाथ के साथ जो है हमारे अच्छी तरह से मैश होते हैं, चम्मच के साथ हमारे अच्छी तरह से मैश नहीं होते। तो यहाँ पर हमने मैश करके इसके अंदर जो है वो हरा धनिया और मिर्चें भी ऐड कर दी हैं, ठीक है, चॉप करके। अब हम जो है इसको दोबारा से मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। तो ये देखिए, हमने जो है वो यहाँ पे सारा कुछ मिक्स कर लिया है, बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पे हमारा जो है वो मिक्सचर रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे जो है वो मैंने मैदा लिया है, उसके अंदर पानी डाल के रख लिया है। तो अब जो है वो हम रोल और समोसे बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो है वो ये समोसे की पट्टी है, ठीक है, आपने पहले देख लेना है कि ये डबल तो नहीं है, तो ये सिंगल ही है मेरे पास। इसको जो है वो हमें इस तरह से फोल्ड करना है दोनों साइड पर, ठीक है। बहुत ही आसान से मैं आपको जो है वो रोल और समोसे बनाना सिखाऊंगी। ये देखिए, इस तरह से हमने इसको फोल्ड करके और इस तरह से, अब जब मैंने इसको इस तरह से फोल्ड कर लिया ना, ठीक है, तो हमने जो है वो ये जो हमने मैदे का यहाँ पे पेस्ट बना रखा था उसके साथ हमने जो है इसको जोड़ना है, ठीक है, उसके बगैर ये जो है जुड़ते नहीं हैं। और एक मैं आपको रोल बना के दिखा देती हूँ कि रोल कैसे बनाते हैं। तो रोल की ये वाली पट्टी होती है, ठीक है, रोल जिस तरह आप बनाना चाहें उस तरह आप बना सकते हैं। ये देखें इस तरह से, तो हमने इसको इस तरह से रोल करना है। और इस पे भी हमने यहाँ पे जो है वो मैदा ऐड कर देना है, देखिए मैदा लगा दिया। और अब हमने जो है वो इसको चिपका देना है, ये देखें, यहाँ से भी हमने इसको इसी तरह से चिपकाना है। तो मैं आपको जो है वो सारे बना के तो फिर दिखाती हूँ। तो अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक किया करें, शेयर किया करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब लाजमी किया करें, और कमेंट करके बताया करें कि आपको हमारी जो है वो रेसिपी कैसी लगती है। आप लोगों के लिए हम इतनी मेहनत करते हैं तो लाइक तो बनता ही है फिर। तो यहाँ पर जो है हमने रोल और समोसे रेडी कर लिए हैं, ये देखिए इस तरह से हमने बहुत ही आसान से रोल और समोसे रेड कर लिए हैं। हम सिर्फ हमने जो है वो इसको फ्राई करना है, तो आए हम इसको फ्राई करते हैं। तो यहाँ पे जो है वो हमने इसको फ्राई करने में डाल दिया है, ठीक है, कढ़ाई में ऑयल डाल के, तो इसको हमने डाल दिया। इसको ज़्यादा हमने नहीं पकाना क्योंकि फ़ौरन ही जो है वो पक जाते होते हैं। तो अब मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारी फाइनल लुक भी इसकी रेडी हो चुकी है। बहुत ही जो है वो आज की आसान और अमेजिंग सी रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।